हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब हम पढ़ते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के अंदर हम दो कैपिटल बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक करेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम एक अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, यानी हम दोनों में कैपिटल अकाउंट तो बनाते ही बनाते हैं। ठीक है जी, ओके। A partnership firm has more than one owners and capital is maintained for each partner separately. यानी partnership firm में कई partner होते हैं, इसलिए हम उनका अलग अलग account बनाते हैं ताकि पता चले कि किस capital का कितना balance है। Okay. It is so because each partner has separate transaction with the firm. क्योंकि हर partner का अपना अलग अलग transaction होता है, कोई सैलरी लेता है, कोई कमीशन लेता है, कोई इंटरेस्ट लेता है, कोई इंटरेस्ट देता है, इसलिए उनका अलग अलग बनाते हैं। तो हम यहां पे देखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पहला देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कैपिटल और करंट अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। यानी फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं। पहला बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये फिक्स होता है और ये आपका एक तरह से फ्लक्चुएटिंग होता है। तो बाय बैलेंस बीडी, यहां पे हम ओपनिंग लेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जितना पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट है ना, जितना जितना हमने फिक्स लगाया है। जैसे मान लीजिए तीन पार्टनर है एबीसी, अगर वो कहते हैं कि हम 50,000 रुपए तीनों लगाएंगे, तो आप यहाँ पे 50,000 रुपीज तीनों का लिख देंगे कि 50,000 रुपए तीनों ने दिया, पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है बाय कैश एंड बैंक एडिशनल कैपिटल। जब आप फर्म में अपना काम चला रहे होते हैं, फिर आपको फंड फर्दर रिक्वायर्ड होती है फंड की, तो फिक्स कैपिटल में अगर देते हैं तो यहाँ पे आप इधर क्रेडिट साइड ले लेंगे और एडिशन रिक्वायरमेंट होती है तो फिक्स में होता है तब। ठीक है, दूसरा इधर आता है डेबिट साइड में बाय कैश और बैंक अकाउंट ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। जब आप फिक्स कैपिटल में से पैसा निकालते हैं तो उधर यहां पे ड्रॉइंग में डेबिट कर देते हैं। उसके बाद जो बैलेंस बचता है टू बैलेंस सीडी, ये यहां पे क्लोजिंग करता है। अब ये देखिए, ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, इसलिए हम इसको अलग से बनाते हैं, फिक्स कैपिटल है। ठीक है, दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है कि इसमें ट्रांजेक्शन जो होती है वो चेंजेस हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे तो फिक्स है, यहाँ चेंजेस है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। अगर बैलेंस क्रेडिट में है तो इधर लिखेंगे, ठीक है, और अगर बैलेंस डेबिट में है तो इस साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस। यानी पार्टनर का करंट अकाउंट या तो क्रेडिट भी हो सकता है या डेबिट भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब क्रेडिट साइड में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया हुआ है उसके ऊपर जो उसको फर्म इंटरेस्ट देती है तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दूसरा होता है पार्टनर कमीशन, यानी कोई पार्टनर अगर कमीशन पे काम कर रहा होता है तो वो जो उसको कमीशन देता है वो होता है यहाँ पे कमीशन अकाउंट, यहाँ पे उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। दूसरा होता है पार्टनर सैलरी अकाउंट, कुछ कुछ पार्टनर सैलरी बेस पे काम करते हैं तो उनको जो सैलरी मिलती है वो पार्टनर के अकाउंट में यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद इधर आता है डेबिट साइड में इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, यहाँ पे डेबिट बैलेंस है टू ड्रॉइंग, जो पार्टनर फर्म से पैसा ले जाता है उसको उसके अकाउंट में यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, क्योंकि पैसा ले गया फर्म से, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रेडिट किया कैपिटल को, तो यहाँ पे हमने डेबिट किया ड्रॉइंग। जहां पे ड्रॉइंग होगा वहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हम वहीं चार्ज करेंगे जो पैसा ले गया उस पे। उसके बाद या तो आपका प्रॉफिट होगा फर्म में या आपका लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे, अगर लॉस होता है तो आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, फिर आप इसमें क्लोजिंग निकाल लेंगे टू बैलेंस सीडी, जो बैलेंस उसका बचता है वो उसकी क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओके ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड में कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सिर्फ एक बनाएंगे इसमें हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो बनाते हैं हम, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट, अगर तीन पार्टनर है तो ए बी सी फॉर्मेट, यहाँ पे क्रेडिट साइड हो जाएगा और यहाँ पे आपका डेबिट साइड हो जाएगा। जितने भी एंट्रियां क्रेडिट, यानी फर्म से पार्टनर को जो भी चीजें दी जाएगी वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जो फर्म के द्वारा पार्टनर से लिया जाएगा वो इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करते हैं देखते हैं, क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, यानी जो पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद टू कैश एंड बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, जो पार्टनर ने फर्म में एडिशनल कैपिटल लगाया है वो यहाँ पे आप उसमें क्रेडिट कर लेंगे।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बाय कमीशन अकाउंट, कमीशन दे दिया। उसके बाद बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, तो जो भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से मिला है वो इधर आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं डेबिट साइड के अंदर, टू बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तो इधर, ठीक है। दूसरा अब आता है सेकंड टू ड्राइंग, अगर पार्टनर फर्म से ड्राइंग ले गया है तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज इट इज वहां पर ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब या तो फर्म में उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड में और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, उसका बैलेंसिंग फिगर निकाल करके यहाँ पे कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर निकाल के खत्म कर देंगे। तो इसमें हमने यह कंप्लीट कर लिया, पार्टनर्स के अकाउंट कितने हम बनाते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।